नमस्कार दोस्तों, मैं रिबेन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया है उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो वो कल के लिए मतलब 8 जनवरी 2019 के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुना है, उसका व्यू आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। उसके बाद कमोडिटी और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, और जो 100 डे EMA का स्ट्रेटजी है उसका उसको कौन सा स्टॉक्स में बनाए उसका लेवल दिखाऊंगा, और कैंडल इनसाइड द बार ट्रेडिंग इनसाइड द बार NR4 NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ दिखाऊंगा और फिबोनाची लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देखूंगा। और जो बाय सेल बाई लेवल और सेल लेवल जो आप लोग को दिखाऊंगा, ये आप लोग को नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगा, और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करना बहुत ही आसान कर देगा और आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बाई लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर और बाई लेवल कम सेल लेवल 3, इसमें मैंने बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3 रखा है, और कुछ स्किनर का पैरामीटर्स रखा है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, EMA क्रॉसओवर, बहुत सारा EMA क्रॉसओवर प्रोबेबिलिटी, इसमें कुकआउट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, ये सब टीरन लेवल, ये सब ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है, ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। प्लस आप लोग उसके बाद जब बाई सेल लेवल 1, 2 और 3 कोई भी देखेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो और बाई सेल लेवल 3 में आप लोग और इनसाइड द इसमें और भी है, इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें बाई सेल लेवल 3 रहता है। बाई सेल लेवल 3 को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में ही बाई सेल लेवल रखा है। अप ट्रेंड जब ऊपर जाता है तो और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, अप ट्रेंड जब बीटेस होकर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल में उसको एंट्री लेना है, बाई सेल डाउन ट्रेंड का स्टॉक जब नीचे आएगा तो कौन सा लेवल पे और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, ये आप लोग को ऐसे लेवल 3 में मिल जाएगा। इधर से आप लोग 530 में देखे क्रॉस ओवर देखे स्क्रीनिंग कर सकता है। इधर 955 40 EMA 30 30 50 20 100 EMA क्रॉस ओवर देखे आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है। उसके बाद बाई सेल लेवल देख सकता है। एक बार अप ट्रेंड का स्टॉक्स आप लोग चुनेंगे तो ओनली अप ट्रेंड का बाई सेल लेवल देखेंगे, और डाउन ट्रेंड का स्टॉक्स चुनेंगे तो ओनली डाउन ट्रेंड का स्टॉक्स चुनेंगे। और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग करके किसी भी बाई सेल लेवल बाई लेवल और सेल लेवल आप लोग देख सकता है। इधर कोई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने का कुछ जरूरत नहीं होगा। और इधर और इसका ये जो फाइल है मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, आप लोग ज्वाइन होकर पूरा फाइल ये आप लोग देख सकता है। फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है कुछ दिन के लिए, और इसका लिंक आप लोग को दिया जाएगा। और ये जो फाइल है जो सैम्पल फाइल आप लोग को डाउनलोड करने का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखता है इधर देखिए बाई सेल लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ, और एंट्री लेवल बीच में रहता है। आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है। मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए और मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए। परफॉर्मेंस में मैंने जो बाई सेल लेवल बाई लेवल और सेल लेवल का उसके जो फाइल मैंने शेयर करता हूँ उसको अगला दिन का जो फाइल शेयर करता हूँ, आज का जो फाइल शेयर करता हूँ उसको कल कैसे वो परफॉर्म करता है वो दिखाता हूँ। तो इसमें आपको गैप अप कैसे एंट्री लेना है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग को समझ जाएगा, सोच लीजिए 313.10 या 313.15 का बीच में ओपन हुआ है, तो 313.85 या 313.60 ओपन हुआ है तो 314.20 के लिए आप लोग टारगेट के लिए आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो 314.22 का नज़दीक में ओपन होगा तो
314.22 के ऊपर आप लोग मतलब 25 के ऊपर या 30 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकता है इस टारगेट के लिए। ये आप लोग को लाइव मार्केट में समझ लेना पड़ेगा। और इधर देखिए ये वाइस लेवल 2 है, और इधर आप लोग समझ ही सकता है कि टारगेट 1 टारगेट 4 या कौन सा लेवल पे है उसका ऊपर या नीचे, तो आप लोग को एंट्री लेना ही पड़ेगा। एक लेवल क्रॉस होने के बाद ही आप लोग दूसरा लेवल जब नज़दीक होगा तो आप लोग तो उधर प्रॉफिट होने का चांस कम जाएगा। तो वो लेवल क्रॉस होगा तो आप लोग को प्रॉफिट, उसका लेवल क्रॉस होगा तो अभी आप लोग को अच्छा ये तो आप लोग को मतलब समझ लेना ही चाहिए। और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, वैसे लेवल 3 दिखाई दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड पिवट है बोलिंजर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। प्राइस चैनल का वैल्यू अपर बैंड लोअर बैंड और मिड बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट बाइसल लेवल का एंट्री पॉइंट हो सकता है। बी डब्ल्यू ए पी का वैल्यू नोट कर सकता है और टीरल लेवल का वैल्यू भी नोट कर सकता है, टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये पैसे लेवल 1 पैसे लेवल 2 आप लोग क्रॉस करके भी देख सकते हैं। उसके बाद पैसे लेवल 3 आ जाएगा, उसके बाद पिवट पॉइंट का पिवट पॉइंट ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। इसके बाद प्राइस चैनल बोलिंजर बैंड और इसमको क्लाउड इसमको क्लाउड का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, ये वैसे लेवल 1। अब मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि और भी कुछ दिखाने का इरादा है, टाइम मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है। और इधर अब लोग किसी भी अगला दिन का जो ये फाइल का जो लेवल दिखाता हूँ, बाय लेवल और सेल लेवल, अब लोग काम करके देखिए या ऑब्जर्व करके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट दे सकता है ये कमोडिटी भी, बहुत ही अच्छे काम कर सकता है ये। कुछ या कुछ फ्यूचर्स का लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद देखिए 100 डे का जो EMA 100 डे का मूविंग एवरेज जिस जिस स्टॉक्स में क्रॉस किया है उसको आप लोग देखिए, ये वाला ये अंबुजा सीमेंट ये आप लोग देख सकते हैं 100 डे EMA ये क्रॉस किया है, इसका हाई लो ब्रेक करने से आप लोग एंट्री ले सकता है। इसका देखिए बैंक बड़ौदा, इसका देखिए कनाडा बैंक, इधर सिप्ला कमिंस डाबोर, ये सब आप लोग देख सकता है। इधर आप लोग जब देखेंगे इसका हाई लो मतलब आज का जो हाई लो हुआ है, आज का जो हाई लो है उसका ब्रेक होने के बाद आप लोग को एंट्री लेना है। और इधर हम लोग को इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इधर फोर एनर्स से भी दिखाऊंगा, और कुछ कैंड ये स्टॉक्स आप लोग नोट कर सकते हैं। ये जो 1 डे का इनसाइड द वर्ल्ड है, 1 डे का जो हाई लो है मतलब आज का जो हाई लो है वो ब्रेक करने के बाद आप लोग एंट्री लेना है। NR4 और NR7 जो है इसका उसका भी सॉरी ये 1 डे का मतलब कल का जो हाई लो गया है उसका एंट्री लेवल उसका हाई लो ब्रेक करना पड़ेगा। और जो NR4 NR7 है उसका जो आज का जो हाई लो बना है आज का कैंडल का उसका आप लोग को एंट्री लेना है। और ये जो 2 डे का हिसाब से जो इनसाइड द वर्ल्ड है वो आप लोग को 2 दिन का माना आज का छोड़ के उसके बाद ना अगला 2 दिन का मतलब जो कैंडल हाई लो है उसका देखना पड़ेगा। आप लोग फाइल यूज़ करेंगे तो आप लोग को इधर से डे 1 डे 2 और करेंट डे सभी मिल जाएगा इधर से, आप लोग इधर ये फाइल यूज़ करेंगे तो, नहीं तो आप लोग चार्ट देखना पड़ेगा। इधर देखिए हायर हाई लोअर लो किस में बना है, इधर देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है, पॉजिटिव हैमर भी इधर बना है, आप लोग जस्ट नोट करते रहिए दिखाते रहूँगा। और इधर इधर जो कैंडल स्टिक्स है ये भी आप लोग देख सकते हैं कौन सा लेवल पे कौन सा कोई भी मैं आप लोग यूज़ कर सकता है। और इसके बाद आप लोग जब कोई मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप लोग किसी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। इधर या बाइसल आप लोग तो बाइसल लेवल यूज़ कर सकते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर जो इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और 100 MA का क्रॉसओवर में आप लोग को जो स्ट्रैटेजी दिखाया उसके साथ आप लोग 85 लेवल मैंने इधर
7 डेज का हिसाब से, 7 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से।